नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की एमई फाइनल ग्रुप बी पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के यूनिट 1 में मुगल काल में नगरीय समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने सल्तनत काल जो 1206 से लेके 21 अप्रैल 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक का अध्ययन किया कि सल्तनत काल में नगर समाज की संरचना कैसे हुई। आज हम मुगल काल का अध्ययन करेंगे। मुगल काल 21 अप्रैल 1526 के बाद प्रारंभ होता है, परंतु नगर समाज का विस्तार या उसकी संरचना अकबर के काल में होती है, जो 1556 के द्वितीय पानीपत के युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। मुगल शासक वर्ग पूर्णतः नगरोन्मुख रहा। मुगल काल के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया का महत्व सल्तनत काल के शहरीकरण से असाधारण रूप से भिन्न था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अध्ययन से पता चलता है कि कुछ शहरी केंद्र पुनः विकसित हुए और पुराने केंद्र जैसे दिल्ली, मुल्तान और लाहौर का विस्तार हुआ और नए शहरी केंद्र इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, गुजरात, लाहौर, अटक, बनारस और फरीदाबाद का निर्माण हुआ। मुगल काल के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी दक्षिण भारत में विजयनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, कोचीन, कालीकट आदि जो पुराने शहर थे, उनका व्यापार वाणिज्य के कारण वे उत्तरोत्तर समृद्ध होते गए। मछलीपट्टनम जैसे नए शहर भी उस क्षेत्र में विकसित हुए और वहाँ से दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। शहरों के शिल्प उत्पाद, विकसित बाजारों में उपलब्ध अनेक प्रकार के ऋण सुविधाओं का स्थल, जलमार्गों द्वारा उन्हें जोड़ने वाली विस्तृत संचार व्यवस्था, उनकी संपदा और समृद्धि ने विदेशी यात्रियों को प्रभावित किया। मुगल काल के दौरान बहुत से सहवर्ती कारणों से भी शहर के विस्तार में तीव्रता आई। समुदाय में परिवर्तन हुआ, कस्बा शहर बनने लगे। गांव और कस्बों में जब भूमि का महत्व अधिक था, शहर बनते गए। व्यापार की भूमिका सर्वोपरि होने लगी। शहरों के शिल्प कला उत्पाद आबादी में शहरी शिल्प उत्पादों की खपत होने लगी थी। विदेशी यात्री बनियन ने दिल्ली की मिट्टी की दीवारें वाली छप्पर की झोपड़ियों का उल्लेख किया है। इन मकानों में सामान्यतः सैनिक बड़ी संख्या में नौकर चाकर और सेना के दरबार के साथ चलने वाले सेवक रहते थे। जहां सेना रहती थी वह नगर छावनी का नगर कहलाया। भारत में औद्योगिकरण से पूर्व के शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं मौजूद थी। छावनी के नगरों में रहने वालों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिससे वह सिर्फ अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। उनकी जरूरतों के लिए बाहर से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारी आते जाते रहते थे। अकबर के काल में कस्बों का विकास हुआ। उन गांवों को कस्बा कहा गया जिनमें बाजार होता था। असाधारण परिवर्तन हुआ। कस्बों के बीच की दूरी के परिप्रेक्ष्य में संचार व्यवस्था की विशेष भूमिका रही। कस्बों में अलग अलग दूरी होने से स्थानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री घोड़े और बैल के का प्रयोग करके जाते थे। सरायों का निर्माण किया जाने लगा, जहाँ पर व्यापारी और अन्य यात्री ठहर सकते थे। क्लारा अशरफिया ने मेडिवल इंडियन सिटी ऑफ द 20th to mid 18th century नामक निबंध में फारसी भाषा के इतिहास ग्रंथों कलन की रात तरंगिणी और भारत में आए चीनी, अरबी और यूरोपीय यात्रियों के वर्णन के आधार पर लिखा है कि मुगल काल में नगरों की विशेषता जटिल जाति प्रथा थी। इस विशेषता के कारण ही श्रम विभाजन और नगर आयोजन के स्वरूप में हमें प्राप्त होती है।
इस प्रकार समाजशास्त्री चार्ल्स कूले का सिद्धांत है कि नगरों की उत्पत्ति परिवहन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। उनका विचार था कि नगरों का जन्म यातायात और संदेश वाहन के साधनों के जन्म और विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसी आधार पर उन्होंने समुद्र नदी के किनारे जो बड़े नगर विकसित हुए थे, जैसे सिंध, गुजरात, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, सूरत, बड़ौदा, कांजीवरम आदि, सामुद्रिक परिवहन के परिणाम स्वरूप ही वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। बड़े शहरों में विविध प्रकार के विश्वव्यापी महत्व उनका बढ़ता गया। यह शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए और प्रकटतः शहरी केंद्र विभिन्न श्रेणी के थे, क्योंकि उनकी प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक भूमिकाएं भिन्न थीं। इस संबंध में मैं आपको आज एक होम असाइनमेंट देती हूँ कि मुगल काल में प्रारंभिक शहरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, शहरों की संरचना किस प्रकार हुई। धन्यवाद।